हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स टू लर्न टुगेदर। आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं अबैंडन का मतलब, उसकी प्रोनाउंसिएशन और साथ में देखेंगे कि अबैंडन वर्ड का हमें सेंटेंस में यूज कैसे करना है। वीडियो के एंड में बताया गया है कि अबैंडन वर्ड के सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अबैंडन की प्रोनाउंसिएशन है अबैंडन का मतलब होता है टू लीव अ प्लेस, थिंग और पर्सन यूजुअली फॉर एवर, किसी स्थान, वस्तु या व्यक्ति को हमेशा के लिए छोड़ देने को हम अबैंडन करना कहते हैं। टू स्टॉप डूइंग समथिंग बिकॉज देर आर टू मेनी प्रॉब्लम्स एंड इट इज इम्पॉसिबल टू कंटिन्यू, कुछ करना बंद कर देना क्योंकि बहुत सारी समस्याएं हैं और इसे जारी रखना असंभव है। तो आइए हम कुछ सेंटेंस एग्जांपल्स देख लेते हैं विद द वर्ड अबैंडन। हाउ कुड शी अबैंडन हर ओन चाइल्ड, हाउ कुड शी अबैंडन हर ओन चाइल्ड, वह अपने ही बच्चे को कैसे छोड़ सकती है। वी हैड टू अबैंडन द कार एंड वॉक द रेस्ट ऑफ द वे, वी हैड टू अबैंडन द कार एंड वॉक द रेस्ट ऑफ द वे, हमें गाड़ी छोड़कर बाकी का रास्ता पैदल ही तय करना पड़ा। द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन शिप, द कैप्टन गेव द ऑर्डर टू अबैंडन शिप, कप्तान ने जहाज छोड़ने का आदेश दिया। आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू अबैंडन दैट आइडिया, आई वॉज ऑब्लाइज्ड टू अबैंडन दैट आइडिया, मैं उस विचार को त्यागने के लिए बाध्य था। तो आइए हम अबैंडन के सिनोनिम्स या समानार्थ शब्द देख लेते हैं। फॉरसेक त्यागना, क्विट छोड़ना, विकेट खाली करना, रन अवे भाग जाना। वहीं अबैंडन के एंटोनिम्स या ऑपोजिट शब्द या विलोम शब्द है अपहोल्ड कायम रखना। तो जहां एक ओर अबैंडन का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना या त्याग देना, वहीं उसका ऑपोजिट या विलोम शब्द है अपहोल्ड कायम रखना, कीप रखना, रिटेन बनाए रखना, पर्स्यू पाने की कोशिश करना। तो सिंपल शब्दों में अबैंडन का मतलब होता है छोड़ना, त्यागना, बहिष्कार करना, छोड़ देना, खाली करना, सौंप देना किसी को, परित्याग कर देना। अब आपकी बारी, नीचे कमेंट में आप अबैंडन शब्द से सेंटेंस बनाकर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Meet you next time with a new word. Until then, keep learning, read lot of books, and stay happy.